बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मनान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। एमएस वर्ड की पहली दो क्लासेस में हम फॉन्ट और पैराग्राफ के बारे में मुकम्मल डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इंसर्ट टैब में टेबल की रिबन पर बात करेंगे और टेबल की मदद से मैं एक रिज़ल्ट कार्ड जनरेट करने वाला हूँ। इसी रिज़ल्ट कार्ड को बनाते हुए मैं आपको टेबल की तमाम सेटिंग्स सिखाऊँगा। तो चलिए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने इदारे का नाम मनान एजुकेशन सिस्टम लिख लेता हूँ और इस लेक्चर में हम पहले दो लेक्चर्स की भी थोड़ी बहुत रिवीजन करेंगे। मनान एजुकेशन सिस्टम लिखने के बाद कंट्रोल ई प्रेस किया और इसको मैं सेंटर में ले आया, सेंटर अलाइन कर दिया। उसके बाद इस पूरे जुमले को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ से इसके फॉन्ट का स्टाइल मैं टाइम न्यू रोमन रखता हूँ और उस पर बोल्ड अप्लाई कर देता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद अगली लाइन में चले गए तो यहाँ मैं सिंपल लिखूँगा एनुअल रिपोर्ट कार्ड। इसका फॉन्ट पहली लाइन से थोड़ा सा छोटा रखेंगे, मैं इसका फॉन्ट 18 रख देता हूँ और दोनों लाइनों का दरमियानी फासला भी कम कर देते हैं। इसके बाद डायरेक्ट हम टेबल की तरफ आएंगे। टेबल में मुझे एक स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, क्लास और रोल नंबर लिखना है। इसके लिए आप इंसर्ट के टैब में जाएंगे और यहाँ से टेबल एंटर करेंगे। यहाँ आपको टेबल ऐड करने की सहूलत मिलती है और अगर आप देखेंगे तो ये दाएं से बाएं जानिब अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो ये कॉलम्स में इजाफ़ा हो रहा है, और अगर आप अपने कर्सर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो ये रोज़ यानी लाइनों में इजाफ़ा हो रहा है। तो सबसे पहले आपने अपने पेपर पर ड्रा कर लेना है कि आपको कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ चाहिए। हम रो एक ही रखेंगे। एक रो से मज़ीद रोज़ बढ़ाने के लिए मैं आपको तरीका अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। मैंने अपने एक रफ़ कॉपी पर इस रिज़ल्ट कार्ड का, इस रिपोर्ट कार्ड का एक स्केच तैयार किया है। उसके मुताबिक मुझे 1, 2, 3, 4 ये चार कॉलम चाहिए। अब आप देखिएगा कि सबसे पहली सेल में मैं नेम लिखता हूँ और यहाँ मैं नेम की खाली जगह छोड़ देता हूँ। एक रो से दूसरी रो में जाने के लिए यानी रो का इजाफा करने के लिए आप बिल्कुल आखिरी सेल में जाएंगे, अपना कर्सर आखिरी सेल में लेके आएंगे और यहाँ से आप अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस कर देंगे तो आप अगली लाइन में चले जाएंगे और यहाँ आप देखें कि एक रो आपके सामने ऐड हो चुकी है। यहाँ मैं लिखूँगा फादर्स नेम। इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ आप देखेंगे तो एक हैंडल आपको नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक करें तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ इसका फॉन्ट मैं कैलिब्री रख देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि रिज़ल्ट कार्ड पर बड़ा बड़ा जो फॉन्ट है वो भद्दा लगता है, बुरा लगता है। फिर आखिरी कॉलम में आने के बाद, आखिरी सेल में आने के बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ और एक और रो मैंने इसमें एंटर कर ली। यहाँ पर पहले सेल में मैं क्लास लिखूँगा और लेट्स सपोज मैं 8th क्लास का रिज़ल्ट जनरेट कर रहा हूँ तो यहाँ 8th लिख दूँगा, और नेक्स्ट सेल में मैं रोल नंबर लिखता हूँ जो कि अगले सेल में मैं उस बच्चे का रोल नंबर लिखूंगा। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि नेम के सामने 1, 2 और 3, ये तीन सेल हैं, तीन कॉलम हैं। इसी तरह फादर नेम के सामने भी तीन कॉलम हैं। मैं ये चाहता हूँ कि क्लास 8th रोल नंबर लेट्स सपोज 1, 2, 3, 4 ये ऐड कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पूरी इन तीन कॉलम में सिर्फ बच्चे का नाम लिखने की जगह दी जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो बॉर्डर आ रहा है दो कॉलम्स के दरमियान, इसको ख़त्म करना होगा। तो मैं इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और यहाँ से मुझे मर्ज की ऑप्शन मिलती है, मर्ज सेल्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो अब ये आपके जो तीन सेल्स थे
वह एक सेल में बदल चुके हैं। इसी तरह फादर नेम, इसके सामने भी मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद इनको मर्ज सेल कर देते हैं। तो यूँ आप देखें, आपको नेम लिखने की भी काफ़ी जगह मिल गई और फादर नेम लिखने की भी काफ़ी जगह मिल गई। यहाँ एक और बात जहन में रखें कि अगर हम इन दोनों रोज़ के इन तमाम सेल्स को इकट्ठे सेलेक्ट करें और उसके बाद मर्ज करेंगे तो आप ये देखिएगा कि अब ये एक रो बन चुकी है, जबकि हमें एक रो नहीं चाहिए बल्कि दो रोज़ चाहिए और उनमें आगे जो कॉलम्स हैं वो हमें मर्ज करके हमारे सामने आने चाहिए। तो लिहाजा मैं अलग अलग दोनों रोज़ के इन सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और फिर मर्ज सेल्स का। इसी तरह फादर नेम की रो के साथ भी यही सलूक किया जाएगा। क्लास एट्थ, इसको कंट्रोल ई से सेंटर में ले आता हूँ और रोल नंबर 1, 2, 3, 4 को कंट्रोल ई से सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ आपने एक बात और नोट करनी है कि जब आप एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ टैब प्रेस कर देंगे तो आप अगले सेल में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अगले सेल से पिछले सेल में अपने माउस के कर्सर को लाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे। ये नीचे आपको शॉर्टकट कीज़ नज़र आ रहे हैं, मैं जो भी बटन प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये देखें, मैं शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ तो मैं पिछले टैब में, पिछले सेल में चला जाता हूँ। तो ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा एक टेबल आ गया। इसके अंदर मैं अब अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ, मिसाल के तौर पे नेम अहद कासिम, जबकि फादर का नेम मोहम्मद कासिम, ये लिख लेंगे। टेबल में ये चीज़ें ऐड करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा बच्चों का रिज़ल्ट कार्ड जनरेट करना चाहते हैं तो आपको यूँ एक एक चीज़ सिलेक्ट करने के बाद उसको डिलीट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप एक सेल से दूसरे सेल में टैब के साथ ट्रैवल करेंगे, आगे शिफ्ट होंगे और अगले सेल का मुकम्मल टेक्स्ट वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। आप उसको बैक स्पेस से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ मैं टेबल के हवाले से एक बहुत ही अहम बात आपको बताता चलूँ कि टेबल में बैकस्पेस और डिलीट थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं। अगर आप एक टेबल को सिलेक्ट करते हैं, उसके डाटा को सिलेक्ट करते हैं और बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो पूरे का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल जेड से मैं इसको वापस लाता हूं। लेकिन अगर आप इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद या उसके किसी सेल को सिलेक्ट करने के बाद या रो को या कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस करते हैं तो आपका टेबल डिलीट नहीं होगा बल्कि टेबल के अंदर उसके सेल्स में जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ बैकस्पेस और डिलीट में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप कोई रो डिलीट करना चाहते हैं, आप उस रो को सिलेक्ट करेंगे और बैकस्पेस प्रेस कर दें। अब ये वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप लिख दें, आप डिलीट एंटायर रो पर क्लिक करें, एंटायर का मतलब मुकम्मल तमाम, डिलीट एंटायर कॉलम पर क्लिक करें, यानी अगर आपने कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पर आप सिलेक्ट करेंगे और अगर आपने एक रो डिलीट करनी है तो एंटायर रो पर डिलीट करने के बाद आप ओके प्रेस कर देंगे तो आप देखें कि दरमियान वाली रो इस वक्त डिलीट हो चुकी है। तो आपने ये जहन में रखना है कि डिलीट का बटन डाटा को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि टेबल के अंदर बैकस्पेस का बटन पूरे टेबल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक फ़र्क आपने ये भी जहन में रखना है। तो चलिए अब आगे जो नंबरों की तफसील है वो हम एंटर करते हैं। नंबरों की तफसील के लिए मुझे फिर एक टेबल जनरेट करना पड़ेगा, उसमें मुझे तीन कॉलम्स चाहिए। लिहाजा मैं इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद टेबल के रिबन पर क्लिक करूंगा, 1, 2 एंड 3। ये तीन कॉलम्स मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ एक और सेटिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ, ज़रा गौर से आपने देखना है। आप किसी सेल को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। आपने उस सेल के इस बॉर्डर पर अपना कर्सर लेकर जाना है तो आप ये देखिएगा कि कर्सर चेंज हो जाता है। जब आपका कर्सर इस तरह का आ जाए, यानी जिसके दोनों तरफ एरो नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इसको क्लिक करके आगे या पीछे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं,
लिहाजा इसको मैं पीछे की तरफ ड्रैग करता हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर नंबर लिखना है और सीरियल नंबर के लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी जगह नहीं चाहिए। जबकि इस सेल में मैंने सब्जेक्ट्स लिखने हैं और आगे मैं मार्क्स लिखूँगा। लिहाजा एक और बात मुझे ये जहन में आई कि क्यों ना यहाँ मार्क्स की हेडिंग देने के बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ, सीरियल नंबर, और इसके साथ भी हम यही काम करेंगे जो ऊपर टेबल के साथ हमने किया, बोल्ड, कैलिब्री और 12, बोल्ड, कैलिब्री और इसका फॉन्ट होगा 12। टैब प्रेस करके नेक्स्ट सेल में यहाँ पर मैं लिखूँगा सब्जेक्ट और आगे मार्क्स। अब मार्क्स दो तरह के हैं, यानी एक सब्जेक्ट में एक बच्चे ने जितने नंबर हासिल किए और जितने में से हासिल किए, यानी टोटल मार्क्स और ऑब्टेंड मार्क्स। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मार्क्स के नीचे टोटल मार्क्स का अलग कॉलम आए और ऑब्टेंड मार्क्स का अलग कॉलम आए। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि मुझे एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो आपको अब यहाँ से जाके कॉलम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपकी सारी सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो उसका तरीका ये है कि आप जहाँ पर कॉलम ऐड करना चाहते हैं, आपने दो कॉलम्स के दरमियान, टेबल के बिल्कुल पहली रो के ऊपर दो कॉलम्स के दरमियान अगर आप अपना कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ आपको प्लस की ऑप्शन मिलेगी। अगर मैं यहाँ इन दोनों के दरमियान अपना कोई कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो इन दोनों के दरमियान लेकिन फर्स्ट रो से ऊपर मैं अपना कर्सर लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखें प्लस, इसी तरह यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस की मुझे ऑप्शन मिलती है। मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा तो आप देखिए एक और कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुका है। यही काम आप रोज़ में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए दो रोज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि इन दो रोज़ के दरमियान एक और रो ऐड हो जाए, तो मैं बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर जहाँ पर टेबल ख़त्म हो जाता है, यहाँ इसके ऊपर टेबल ख़त्म हो चुका, यहाँ इसके लेफ़्ट साइड पर टेबल ख़त्म हो चुका, यहाँ कर्सर ले जाकर दो रोज़ के दरमियान जब मैं अपना कर्सर लेकर आऊँगा तो यहाँ भी मुझे रो ऐड करने की ऑप्शन मिल जाती है। दूसरा तरीका कि आप टेबल के आखिरी सेल में चले जाएं और यहाँ आकर आप टैब प्रेस कर दें तो इससे भी आप एक नई रो में इजाफा कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मार्क्स यहाँ ऑब्टेंड मार्क्स ऑब्टेंड जबकि इसमें टोटल मार्क्स आ जाएं। तो अब ये फिर यहाँ पर मैं वही फार्मूला अप्लाई करूँगा जो मैं इन कॉलम्स में अप्लाई किया कि दो कॉलम्स या दो सेल्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और मर्ज सेल्स कर दें। तो अब आप देखेंगे इसको कंट्रोल ई से जब मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मुझे एक ही कॉलम के नीचे दो मज़ीद कॉलम मिल चुके हैं। अब इस सारे डेटा को मैं सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई के साथ मैं सेंटर अलाइन करता हूँ। सेंटर अलाइन करने के बाद इसमें हम अब डेटा एंट्री करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि डेटा एंट्री इस सेकंड रो के बाद होगी, यानी ऑब्टेंड मार्क्स हम यहाँ पर लिखेंगे, टोटल मार्क्स हम इसके नीचे लिखना शुरू करेंगे। अब इस तरह हमारे पास एक ये सेल, सब्जेक्ट के नीचे एक सेल और सीरियल नंबर के नीचे एक सेल, ये हमारे पास खाली है। तो हम इनको भी आपस में मर्ज कर देंगे इस तरह, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट और ये मार्क्स की जो दो रोज़ हैं ये अब बराबर हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेल के ऊपर से नीचे की तरफ भी सेंटर में और दाएं से बाएं जानब भी सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए मैं इस सेल में राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद टेबल प्रॉपर्टीज़, और यहाँ मैं सेल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे सेंटर, अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाने की ऑप्शन मिलती है। सेंटर करने के बाद इसको ओके करें तो आपने सब्जेक्ट पर नोटिस करना है, गौर करना है कि इसके ऊपर क्या तब्दीली आई है। पहले ये टॉप था, अब ये सेंटर, इसको ओके करते हैं तो आप देखिएगा कि ये आपका टेक्स्ट वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, यानी दाएं से बाएं जाने भी, ऊपर से नीचे भी, ये सेंटर में आ चुका है। इसी तरह हम सीरियल नंबर के साथ उसमें क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद टेबल प्रॉपर्टीज़,
सेल और यहाँ से अपने टेक्स्ट को हम सेंटर कर देंगे। तो अब ये देखिए आपका टेबल खूबसूरत दिखाई दे रहा है। एट्थ क्लास का मैं रिज़ल्ट तैयार करने जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एट्थ क्लास में तकरीबन 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे हर बार सीरियल नंबर ना लगाना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, इन 3 सेल्स को या कोई भी एक सेल या 2 सेल को आप सिलेक्ट कर लें। अब चूँकि मैं 3 सेल 3 रोज़ बना चुका हूँ, लिहाजा मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा। होम टैब में जाके नंबर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आकर नंबर अप्लाई करता हूँ। नंबर अप्लाई करने का ये फ़ायदा होगा कि मैं जब भी टैब प्रेस करके नई रो ऐड करूँगा, नंबर खुद ब खुद ऐड होता चला जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम डेटा एंट्री करते हैं। इंग्लिश और उर्दू, मैथ्स, इस्लामिक स्टडीज़ और ज्योग्राफी, कंप्यूटर एंड अरबिक। अब इनके सामने हम पहले टोटल मार्क्स हम ऐड करते हैं जी, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं। पी पी एस शॉर्टकट या नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑब्टेंड मार्क्स में इस बच्चे ने इंग्लिश में मार्क्स 75 लिए, उर्दू में 72, मैथ्स 95, इस्लामिक 98, सोशल स्टडीज 65, ज्योग्राफी 77, कंप्यूटर 88, लेट्स सपोज और अरबिक 90। अब यहाँ मुझे एक और रो ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, आखिरी सेल में बिल्कुल लास्ट में जाकर मैं एक टैब प्रेस करता हूँ और एक नई रो ऐड हो गई। लेकिन अब मुझे नंबर नहीं चाहिए, लिहाजा इस सेल में क्लिक करके अपने कर्सर को यहाँ लाकर मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तो अब इसको मैंने रिमूव कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान में रखें कि मैंने किसी सेल को सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं सेल को सिलेक्ट करता, लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह सेल को सिलेक्ट करता और बैक स्पेस करता, तो तब वो मुझे रो को डिलीट करने के मुझसे ऑप्शन मांगता कि आप रो या कॉलम क्या डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने किसी भी सेल को सिलेक्ट नहीं किया, जस्ट यहाँ पर मैंने क्लिक करने के बाद बैक स्पेस प्रेस किया तो नंबर ख़त्म हो गया। मैं इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पर लिखता हूँ जी ग्रैंड टोटल और कंट्रोल ई से इसको सेंटर अलाइन करता हूँ। इनका टोटल सिंपल 800, जबकि ऑब्टेंड मार्क्स का टोटल आई थिंक 660 आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप हिसाब किताब कैसे कर सकते हैं, ये अभी हमारी क्लास नहीं है, इसको एडवांस सीरीज़ जब स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी ये मैंने सिंपल कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट किया है और 660 इसका आंसर है। ज़्यादा कम हो सकता है, जल्दी जल्दी में मैंने आपको समझाने के लिए किया है। इसके बाद ये हमारे पास एक ये रिज़ल्ट आ चुका है। तो अभी तक ये आपके सामने एक रॉ रिज़ल्ट कार्ड जनरेट हो चुका है। इसको हम इसके अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स और कुछ कलर्स हम बाद में अप्लाई करते हैं, अभी हम रिज़ल्ट कार्ड की बाकी जो चीज़ें हैं वो पूरी कर लें। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि क्लास इंचार्ज या क्लास टीचर के लिए कोई जगह फिक्स की जाए जहाँ पर वो अपने रिमार्क्स दे सकें, फिर टीचर के साइन और हेड के साइन की मैं कोई जगह यहाँ पर फिक्स करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी पहले मुझे एक स्केच बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक स्केच मौजूद है और उस स्केच के अंदर मुझे बेसिकली 3 कॉलम चाहिए। तो मैं इंसर्ट टैब में प्रेस करूँगा, टेबल पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से 3 कॉलम्स ऐड कर देता हूँ। पहले कॉलम में मैं लिखूँगा क्लास टीचर रिमार्क्स। इस टेबल के ऊपर भी हम वही चीज़ें अप्लाई करेंगे, कैलिब्री 18 की जगह 12, और यहाँ मैं लिखूँगा टीचर्स सिग्नेचर और यहाँ मैं लिखूँगा प्रिंसिपल्स सिग्नेचर। सामने हम ये थोड़ी सी जगह दे देंगे जहाँ टीचर और प्रिंसिपल अपने सिग्नेचर करेंगे। क्लास टीचर के रिमार्क्स के लिए ये जगह थोड़ी कम है, लिहाजा मैं 2 रोज़ यहाँ पर और ऐड करता हूँ। 2 रोज़ ऐड करने के बाद ये प्रिंसिपल के सिग्नेचर को मैं कंट्रोल एक्स के साथ कट करके ज़रा नीचे वाली रो में ले आता हूँ। अब मैं इन दोनों सेल्स को आपस में मर्ज करूँगा, इन दोनों सेल्स को आपस में मर्ज करता हूँ, इसी तरह प्रिंसिपल सिग्नेचर के लिए भी इन 2 सेल्स को आपस में मर्ज करते हैं और इन 2 सेल्स को आपस में
मर्ज करते हैं। यहाँ पर भी वही फार्मूला, टेबल प्रॉपर्टीज़, सेल, सेंटर, ओके, प्रिंसिपल सिग्नेचर, टेबल प्रॉपर्टीज़, सेल, सेंटर एंड ओके। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि टीचर के रिमार्क्स की भी जगह आ गई और टीचर के सिग्नेचर और प्रिंसिपल के सिग्नेचर की जगह भी यहाँ पर मौजूद है। पहले और दूसरे लेक्चर में एक बात मैंने आपको नहीं बताई, वो यहाँ बता देता हूँ कि जब भी किसी लफ्ज़ को लिखते हुए उसके नीचे ये रेड लाइन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इस वर्ड में, इस लफ्ज़ में स्पेलिंग की गलती है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि मैंने सिग्नेचर में एन के बाद ए मिस कर दिया। लेट्स सपोज मुझे पता नहीं चल रहा कि इसमें किस स्पेलिंग की क्या मिस्टेक है, तो उसका तरीका ये होगा कि आप उस लफ्ज़ को सिलेक्ट किए बगैर आप इस पर राइट क्लिक करें तो ये आपको जो दुरुस्त सिग्नेचर है वो दे देगा। तो फ़िलहाल ये मेरे पास एक रफ सा रिज़ल्ट कार्ड जनरेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कोई कलर्स या कोई डिज़ाइन वगैरह अप्लाई करते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस वक्त टेबल से बाहर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो आप ऊपर देखेंगे फॉक्सिट रीडर पीडीएफ के बाद आपको कोई टैब दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जैसे ही मैं टेबल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दो टैब्स मज़ीद ऐड हो चुकी हैं, एक डिज़ाइन, दूसरी लेआउट। तो हम किसी भी टेबल को अगर हम डिज़ाइन देना चाहें तो डिज़ाइन टैब से हमें ये सारी ऑप्शन, ये सारी सहूलत मिल जाती है। लिहाजा जो मेरा मेन टेबल है उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसके ऊपर कोई ना कोई डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। तो मैं ये सिंपल डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ। अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं तो ये सिंपल, और ये थोड़ी बहुत इसके अंदर डिज़ाइनिंग आपके सामने मौजूद है। तो हम सिर्फ हेडिंग को, यानी सबसे ऊपर जो हमारा टॉप हेडिंग है उसको हम सिर्फ ब्लैक करते हैं, बाकी सारा टेबल हम वाइट रहने देते हैं। लेकिन ये इस सेटिंग के अंदर आप देखेंगे तो उसने यहाँ से हमारे बॉर्डर्स को रिमूव कर दिया है। आप ऐसे रखना चाहते हैं ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं और सिर्फ पहली लाइन को आप ब्लैक करना चाहते हैं तो उसका तरीका फिर ये है कि आप इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको ब्लैक कलर का शेड दे दें। इसी तरह ये ऑब्टेंड और टोटल को भी आप ब्लैक शेड दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ये शेड बहुत ही डार्क हो चुका है, लिहाजा हम इसको थोड़ा सा लाइट शेड देने की कोशिश करते हैं, इसको ग्रे शेड देते हैं, लाइट ग्रे। ऑब्टेंड और टोटल ये भी चूँकि हेडिंग्स हैं लिहाजा इनको भी हम यही शेड दे देते हैं। तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास एक खूबसूरत सा एक रिपोर्ट कार्ड या रिज़ल्ट कार्ड जनरेट हो चुका है। इब्तदाई सतह पर आपको टेबल के हवाले से सिर्फ यही मालूमात जानना ज़रूरी हैं। अगर ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको कोई बात समझने की ज़रूरत पेश आती है या आपके अपने दिमाग में कोई डिज़ाइन आता है, आप वो डिज़ाइन करना चाहते हैं, या कोई सवाल आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में पिक्चर की तमाम ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।